दोस्तों आज की हमारी ये कैपिटल सिटी बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नासा ने अपना कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स सेंटर जो स्थापित किया है। इसी के साथ ये जगह अपने हॉट एयर बैलून के लिए भी वर्ल्ड फेमस है। कहा जाता है कि यहाँ पर भूमि के नीचे यानी कि जमीन के नीचे कुछ गुप्त सुरंगें हैं जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ती हैं। इसी के साथ इस शहर को बहुत वेल डिजाइन किया गया है और इसकी डिजाइनिंग के लिए एक दो नहीं बल्कि कई देशों के डिजाइनर्स ने पार्ट लिया और उसमें से जो सबसे अच्छा डिजाइन था उसे पुरस्कार भी मिला। इसी के साथ दोस्तों यहाँ घूमने की एक नहीं बल्कि कई खास जगह है जिसे देखकर आपको उन जगहों से प्यार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं एक खास सफर पर जो कि जा रहा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा की सैर पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा काफी सुनियोजित यानी कि वेल मेंटेन कैपिटल है जिसे बहुत ही अच्छे से प्लान तरीके से डिजाइन किया गया है। यहाँ भव्य इमारतें हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और 300 से अधिक रेस्टोरेंट्स भी हैं। ये पूरा शहर 814 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और इसके पास में है बिंडाबेला पर्वतमाला, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से लगभग 150 किलोमीटर दूर। दोस्तों कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के साथ साथ एक खूबसूरत डेस्टिनेशन भी कहा जाता है। यहाँ पर प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं के कारण लोग इसे प्यार कर बैठते हैं और इसे बुश की राजधानी भी कहा जाता है। लेकिन अक्सर ये पूछा जाता है कि शहर को ये नाम कैसे मिला। दरअसल दोस्तों 21,000 से ज्यादा सालों तक इस जमीन के मूल संरक्षक नूनावल लोग कैनबरा क्षेत्र को अपना घर मानते थे, इसलिए कोई सरप्राइज करने वाली बात नहीं है कि ये नाम उन्हीं की भाषा का है। कहा जाता है कि आदिवासियों ने ही इस शहर की उत्पत्ति की। खुले आसमान और खूबसूरत नजारों से भरपूर कैनबरा में आप हॉट एयर बैलून हर तरफ देखेंगे। जी हाँ, अगर आप हॉट एयर बैलून की सवारी करने का शौक रखते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हॉट एयर बैलून के लिए एक परफेक्ट फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें आप रंग बिरंगे हॉट एयर बैलून को राजधानी के ऊपर धीरे धीरे तैरते देखेंगे और इस कैनबरा रोमांच का अनुभव कर सकेंगे। इसके आप दर्शक बनेंगे या फिर आप इसकी सवारी करेंगे, ये डिसीजन आप लेंगे। एक खास बात और है इस जगह में, आपको पता है टिडबिनबिला में स्थित कैनबरा डीप स्पेस कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स दुनिया के 3 स्टेशन में से एक है, 2 मैड्रिड स्पेन और गोल्ड स्टोन कैलिफोर्निया में है। ये स्टेशन हमारे सौर मंडल और उससे आगे की खोज करने वाले अंतरिक्ष यानों के साथ दो तरफा रेडियो संपर्क करते हैं। इसके एंटीना विशेष रूप से नासा के वॉयजर 1 अंतरिक्ष यान को ट्रैक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस जगह को दूर से देखने और पास से समझने के लिए भी लोग यहाँ आते हैं। और एक बहुत ही खास बात है इस शहर में, इस शहर के नीचे गुप्त सुरंगें हैं, साइंटिस्ट उसकी तलाश में हैं, कुछ मिल गई हैं, कुछ अभी भी छुपी हुई हैं। कहा जाता है कि ये गुप्त सुरंगें सरकारी इमारतों को जोड़ने का काम करती हैं। इसी के साथ दोस्तों 1912 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने देश की राजधानी को डिजाइन करने का निर्णय लिया और एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया जिसमें मैक्सिको, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, पैराग्वे, फ्रांस और भारत सहित 15 देशों से 137 से अधिक डिजाइनर्स ने पार्ट लिया। जिसका डिजाइन सबसे अच्छा था उसे पुरस्कार भी दिया गया, जिसमें अमेरिकी वास्तुकार वाल्टर बर्ले गिफिन शामिल थे। अब उनका डिजाइन एक्सेप्ट किया गया कि नहीं किया गया ये तो नहीं पता, लेकिन पूरा एक्सेप्ट नहीं हुआ, कुछ पार्ट ही एक्सेप्ट हुए और ऐसा क्यों हुआ ये नहीं पता। इसी के साथ आपको बता दें कि कैनबरा में आपको पर्वत, नदी और राष्ट्रीय उद्यान बहुत कुछ देखने का मौका मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण इमारतें और स्मारक भी आप यहाँ देखेंगे, म्यूजियम भी आप यहाँ जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये जगह परफेक्ट है। और शहरों के मुकाबले लाइक सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, इन शहरों के मुकाबले यहाँ भीड़ कम मिलेगी, लेकिन सीरियसली यहाँ सुकून बहुत है और खूबसूरती बहुत। आप यहाँ कहाँ कहाँ जा सकते हैं चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं ब्लैक माउंटेन। कैनबरा में आप अपनी खूबसूरत यात्रा को ब्लैक माउंटेन से शुरू कर सकते हैं। ब्लैक माउंटेन पर आप पहाड़ और शहर दोनों की खूबसूरती को निहार सकते हैं। यहाँ पर ही आपको ऑस्ट्रेलिया का पुराना संसद भवन, नया संसद भवन, बहुत कुछ देखने का मौका मिलेगा। ब्लैक माउंटेन की ढलान पर आप ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बॉटनिकल गार्डन भी देख सकते हैं,
खूबसूरत गार्डन में आपको बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। यहाँ के रास्ते बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। कैनबरा में ब्लैक माउंटेन घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। दोस्तों, दिस इज नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कैनबरा शहर में एक खूबसूरत जगह है जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। इस जगह का नाम है नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये गैलरी सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहती है। आप इस खूबसूरत गैलरी में ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन पुरानी कलाकृतियों को देख सकते हैं। गैलरी में लगभग 70,000 कलाकृतियों को रखा गया है। अगर आप कला प्रेमी हो तो कैनबरा यात्रा के इस सफर को जरूर एंजॉय कीजिएगा। यहाँ पर आपको कलाकृतियों के अनूठे नजारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, दिस इज पार्लियामेंट हाउस, संसद भवन ऑस्ट्रेलिया का। कैनबरा शहर में संसद भवन ऑस्ट्रेलिया का सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। इस जगह से ही ऑस्ट्रेलिया देश की सत्ता चलाती है। इस भवन की वास्तुकला बहुत खूबसूरत है और कलात्मक भी। संसद भवन ऑस्ट्रेलिया के लिए हर आधे घंटे बाद एक सूचनापूर्ण टूर इसके ग्रेट हॉल में उपलब्ध करवाया जाता है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आप इस संसद भवन को देख सकते हैं। संसद भवन में प्रवेश से लेकर गाइड सुविधा और पार्किंग आदि की सुविधा निःशुल्क है। गाइड टूर में आपको संसद भवन ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी दी जाती है। आप ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन के अंदर भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको दुकानें भी देखने को मिलेंगी। इन दुकानों में आपको ऑस्ट्रेलिया की शिल्प कला की वस्तुओं को खरीदने का मौका मिलेगा, यानी कुछ ऐसी चीजें जो यहाँ के लोकल लोगों द्वारा बनाई गई। दोस्तों, दिस इज टेलस्ट्रा टावर। ये खूबसूरत टावर कैनबरा शहर की पहचान है। टावर की ऊंचाई 195 मीटर है। टावर कैनबरा के ब्लैक माउंटेन पर बना है। यहाँ से पूरे कैनबरा शहर को खूबसूरती से देखा जा सकता है। टावर सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुला रहता है। कैनबरा शहर के खूबसूरत दृश्य का आनंद अगर आपको लेना है तो जल्दी से इस टावर पर चढ़ जाइए और चारों तरफ की खूबसूरती आपका वेलकम करने को तैयार है। दोस्तों, दिस इज ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल। ये भवन उन लोगों की याद में बना हुआ है जिन्होंने युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी थी। यहाँ पर सेना के हथियारों का एक शानदार संग्रहालय बना हुआ है। इन हथियारों को लड़ाई में प्रयोग किया गया था। इस वॉर मेमोरियल में 20 गैलरी के साथ फिल्म और वीडियो थिएटर्स आदि बने हुए हैं जो उस युद्ध के ऑस्ट्रेलिया के अनुभवों और इतिहास को प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, डोंट मिस जिब्राल्टर फॉल्स। शहर के केंद्र में लगभग 50 किलोमीटर दूर जिब्राल्टर क्रीक का एक झरना है। गर्मी के मौसम में लोगों के लिए ये अट्रैक्टिव पॉइंट है। झरने की ऊंचाई 50 मीटर है और ये पानी और धुंध का अद्भुत नजारा पेश करता है। आप लुकआउट पॉइंट से दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। मजा बहुत आने वाला है। झरने के आधार पर कुछ प्राकृतिक पुल भी आपको मिलेंगे जिसकी वजह से आपका ये सफर और खूबसूरत हो जाएगा। दोस्तों, डोंट मिस गुलाबी झील, एक शानदार प्राकृतिक घटना। यदि आप इस दौरान ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे हैं तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये तूफानी जल अफवाह तालाब जैसा है। इसमें अजोला पिनाटा नामक देशी जलीय माइक्रोफॉर्म की उपस्थिति के कारण ये गुलाबी रंग की दिखती है और इसी गुलाबी रंग के कारण टूरिस्ट को इससे प्यार हो जाता है। इसकी खूबसूरती देखने, इसके साथ समय बिताने और अपने नियर एंड डियर के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए लोग यहाँ आते हैं और सुकून से बैठ जाते हैं। यहाँ की एंट्री फीस कुछ भी नहीं है और ये 2400 घंटे खुला रहता है। इसके अलावा तालाब का रंग मौसम, सूरज की रोशनी और पानी के स्तर पर निर्भर करता है, लेकिन ज्यादातर ये जगह गुलाबी ही रहती है। और यहाँ के जो लोकल फोटोग्राफर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स के लिए ये एक पसंदीदा जगह है। आसपास बहुत सारी हरियाली है, यानी बहुत सारा सुकून। आई होप दोस्तों, इन खूबसूरत जगहों को देखकर आपको इनसे प्यार हो गया होगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन खूबसूरत जगहों को देखकर आप मदहोश हो गए हो और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। दोबारा आपसे जल्द मिलेंगे कुछ और खास जगहों की सैर पर। तब तक के लिए नमस्कार।